तो भाड़क होते थे जिनको आप भाड़ू के नाम से जानते हैं, अभी तो वो भाड़क गाड़ी बन के भाड़ू बन गया। तो जो भाड़ू होते थे यानी भाड़क होते थे वो अब लता मंगेशकर तो बुद्ध के और धम के गाने गाएगी नहीं, क्योंकि लता मंगेशकर एक एस्टैब्लिश सिंगर है और एस्टैब्लिश सिंगर की फीस बहुत ज्यादा होती है। जो बुद्ध के अनुयायी या बुद्ध के जानकार लोग हैं, जो बुद्ध के अनुयायी या बुद्ध के प्रशंसक या बुद्ध के मानने वाले हैं, भारत में वो गरीब लोग हैं, उनके पास में पैसे नहीं है कि वो लता मंगेशकर जैसे किसी एस्टैब्लिश स्थापित गायक से अपने गाने गवाने के लिए उसको किराए पे बुलाएं। तो ये दायित्व भी आप ही को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर में जो गायकी करते हैं या जो आप गुनगुनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी, और धम्म के पद और भगवान बुद्ध की जो बातें हैं उनको गा गा कर रिकॉर्ड करना होगा और उसको पूरी दुनिया में फैलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के जो बहुत विश्व प्रसिद्ध गायक हैं उन्होंने धम्म की बातें गाई नहीं है। जो और मुल्क हैं, और देश हैं, और जो कंट्री हैं, उनके अंदर धम्म की भावना को वहां उन्होंने जाने माने जो गायक हैं उनको किराए पर बुलाकर उनसे गवाया है। मगर दिक्कत ये आती है कि भारत की जो भाषा है उसको बोलने का तरीका अलग है, उनकी भाषा का तरीका अलग है। इसलिए अगर वो बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो थोड़ा सा यहाँ की भाषा के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से उसको सुनने में और पचाने में मजा नहीं आता। पुराने समय में जो फेरा लोग होते थे उनके जो परिवार के लोग थे वो गाते थे, उसको फिर भी म्यूजिक बोलते थे, यानी थेराओं के परिवार के लोग जब गाते थे, संगीत का रचना करते थे, तो उसको थेर भी म्यूजिक बोलते थे। मैं जो वीडियो बनाता हूं उनके शुरू में और उनके अंत में थेर भी म्यूजिक चलता है, जो इंग्लैंड के शेखर बौद्ध जी हैं उन्होंने ये बनाया है। इसके अलावा थेर भी म्यूजिक बहुत जाना माना है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोगों ने इसको सुरक्षित रखा हुआ है, यही बाद में संस्कारित करके शास्त्रीय संगीत के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम थेरवी आप रखेंगे क्योंकि ये थेरवी म्यूजिक है और जिन्होंने इसको बदला वो इसको शास्त्रीय म्यूजिक कहते हैं। उसका कारण यह है कि जो म्यूजिक होता है वो हर एक कंट्री की भाषा की तरह एक अपनी इंडिपेंडेंट पहचान होती है। यानी भारत में जिन लोगों ने म्यूजिक को बनाया और जितने भी यहाँ लोकगीत हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई सेना बाहर से आती है वो अपना म्यूजिक लेके आती है, मगर लड़ने आएगा, कोई लड़ाका होगा कब्जा करने आएगा तो अपने साथ म्यूजिशियनों को लेकर नहीं आएगा, संगीतकारों को लेकर नहीं आएगा, गायक कलाकारों को लेकर नहीं आएगा, योद्धाओं को लेकर आएगा। इसलिए बाहर से जो माइग्रेट होकर लोग आए हैं या इन्वेजन किया है, जो जबरदस्ती घुसे हैं भारत के अंदर, वो अपने साथ गायक या गायकी लेकर नहीं आए, यही के गायन को उन्होंने अडॉप्ट किया है और उसका नाम बदला है। तो ये बात तय है कि जो थेरी म्यूजिक है वो आज ही का सारा लोकगीत और शास्त्रीय संगीत है उसको थेरी म्यूजिक के नाम से उन लोगों ने सुरक्षित रखा, जिसको बाद में यहाँ के लोग शास्त्रीय संगीत बोलते हैं। पुराने समय में भाड़क होते थे, भाड़क जगह जगह कथा करते थे, गाथा उसको बोलते हैं जो भगवान बुद्ध ने मूल शब्द कहे हैं, और कथा उसको बोलते हैं जिस संदर्भ में वो कहे हैं, जिस कहानी के रूप में वो कहे हैं। तो भाड़क होते थे जिनको आप भाड़ू के नाम से जानते हैं, अभी तो वो भाड़क गाड़ी बन के भाड़ू बन गया। तो जो भाड़ू होते थे यानी भाड़क होते थे वो घर घर जाके जैसा कोई बुलाता था उसके हिसाब से वो कथा करते थे, और वहां पर धम्मपद गीता या कथा के गीत या गीतों या गीते वो सुनाया करते थे, गा गा कर सुनाया करते थे। तो जो गायन है बहुत पुरानी शैली है, बहुत पुरानी है, वही गीत और वही गायन अठवीं और उपोषद के समय लोग करते हैं आपस में, जो तीक्ष्ण और पंचशील का या आठ शील का करते हैं, और वही गायन और वही गायकी, वही गीता, वही भाड़क और वही गीत आज भी चलते हैं। जो अठवीं में जो सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो या सम्मा आजीवो
जो 8 अंग है उसके उसके बारे में पूरे पूरे दिन बताया जाता है। अभी तो वो परंपरा दोबारा से आरंभ हो रही है। आपका कोई बच्चा या आप स्वयं अगर कोई अच्छा गाते हैं या गाने का प्रयास करते हैं या बुद्ध से आपका अच्छा लगाव है, उनकी शिक्षाओं से अच्छा लगाव है, तो आपको शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप किसी का इंतजार करेंगे, आपके गाने गाने के लिए कोई आने वाला है नहीं। आपको खुद ही एक्सेंट ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि जिन भी लोगों ने बाहर गाया है वो बुद्धम शरणम गच्छामि कर देते हैं संस्कृत भाषा में। उसको एक्सेंट बताना पड़ता है कि पाली का जो ओरिजिनल एक्सेंट है वो बुद्धम शरणम और गच्छामि है। इसलिए किसी का इंतजार मत कीजिए। कोई भी किराए का गायक गाने वाला या गाने वाली आपके लिए नहीं आने वाले, क्योंकि पैसे का अभाव है। और अगर पैसा आपके पास है भी और किसी किराए के अच्छे गायक को या गायिका को आप ले भी आओगे, तो वो एक्सेंट नहीं समझेगा या समझेगी, और हो सकता है कि उसका विचार किसी और तरह का हो, तो मन से गाए भी ना। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। कामेशु मिच्छ चर विरमणि सिक्खापदं स्मादयामि।